नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम श्रेया एग्रो फार्म पर जो कि नागौद सतना में है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये बर्बरी बकरी का पालन कर रहे हैं, साथ में ये देसी मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं। तो जो भी नए किसान दोस्त बकरी पालन में आना चाहते हैं और ख़ास करके जो उनके मन में सवाल रहता है कि किस ब्रीड के साथ जाना चाहिए, कैसे उसका पालन शुरू किया जाए, वो कितने फ़ायदेमंद हो सकती है किसी एक ब्रीड, जो कि एक अगर हम एक क्षेत्र वाइज बात करते हैं कि क्षेत्र के हिसाब से अगर बकरी का पालन सही रहता है तो हमें मार्केट प्राइस अच्छा मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बर्बरी बकरी का चयन किया है और साथ में देसी मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं। तो एक ही मेरी विजिट है जिसमें हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे इनकी शुरुआत हुई, क्या मकसद लेकर ये बकरी पालन में आए थे, क्या क्या समस्याएं इन्हें देखने मिली और किस तरीके से यहाँ पर ये पालन करते हैं, हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जो भी किसान भाई मुझे मध्य प्रदेश से देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं जो कि बर्बरी बकरी का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फार्म ओनर से। तो सर, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए और अपने फार्म के बारे में बताइए, थोड़ा सा अपने परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम संतोष यादव है जी। मैं बेसिकली सतना का रहने वाला हूँ जी, और हमने पढ़ाई MSc LLB तक की है और ये नागौद के पास है 12 पत्थर ग्राम, वहाँ पास हमने फार्म खोला हुआ है। अच्छा सर, ये बकरी पालन का जैसे आपने कहा कि आपने LLB की हुई है जी, जी, जी। और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इससे पहले आप कहाँ पर थे और बकरी पालन में आना कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा, अब जो बेरोज़गार हैं वो भी हम मेरी उम्र के खास करके जी, जी। जो शिक्षित बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत प्रेरणादायी होगा आपका ये मैसेज, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इससे पहले हम पोल्ट्री फीड में मैनेजर और केमिस्ट थे जी, पोल्ट्री फीड फैक्ट्री में जहाँ मुर्गियों का दाना बनता है उसमें हम मैनेजर और केमिस्ट थे। कई साल 10-12 साल हमने वहाँ वर्क किया है। उसके बाद ये कोरोना के समय फिर यूट्यूब में देख के हमको ऐसा लगा कि हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं अच्छे से, बकरी की प्राइवेट काम काम ही है, नौकरी नौकरी है, ये अपना काम अपना है। तो वहाँ से हमको रुझान आया, हमने यहाँ देखा, चैनलों में सर्च किया, काफ़ी सर्च करने के बाद लगा कि हम ये कर सकते हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि फिर किस तरीके से शुरुआत करी आपने अपने फार्म की, किस तरीके से सेटअप किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए शुरुआत। फिर उसके बाद हमने यहाँ ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद हमने शेड बनाया जी। सेड बनवाने के बाद फिर हमने यही लोकल से 10 बकरियां ली उनसे जी, वहीं से हमने शुरुआत की। 10 बकरी और 2 ब्रीडर थे हमारे पास। कब शुरुआत करी थी सर आपने ये? हमने की थी दिसंबर 2020 में। दिसंबर के टाइम पर आपने? दिसंबर के टाइम पे हाँ जी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ सर आपके पीछे जैसे बर्बरी बकरियाँ हैं, तो बर्बरी का पालन करने का आपके दिमाग में कैसे आया और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को? बर्बरी क्या है कि अपने बेसिकली उत्तर प्रदेश की प्रजाति है जी, और अपने यहाँ का टेम्परेचर और उत्तर प्रदेश का लगभग सेम ही रहता है जी, जी आसपास ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है जी। उस हिसाब से बर्बरी बकरी हमको ज़्यादा सही लगी। बर्बरी बकरी सही लगी? बर्बरी सही है। हमारे पास तोतापरी भी है, एक है और एक ब्रीडर है तोतापरी के, बच्चे भी हैं उसके जी, लेकिन ये हमको ज़्यादा सही है बर्बरी। बर्बरी हमको एक हिसाब से मतलब हाँ, तोता परी इस मौसम में उतना अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, परंतु बर्बरी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी जाती है हाँ, संतुष्ट है। इसको कुछ भी दे दें खाने के लिए खा लेती। अच्छा, हरा चारा नहीं रहता गर्मी में, बंद के खाती है, बरसात में टोटल भूसे पे रहती है, दाना भूसा पे, टोटल दाने और टोटल दाना भूसा में बरसात और गर्मी। मतलब आप तो लगभग आपको एक साल से ज़्यादा हाँ, का समय हो गया है, तो इन्होंने तीनों मौसम जो है वो देखे, झेल लिया तीनों मौसम हाँ हाँ। सबसे अच्छा इसी का रिजल्ट है, सबसे अच्छा इसी का रिजल्ट हाँ। सर, मैं आपकी शुरुआत के बारे में जानूँ, किस तरीके से आपने जैसे शेड का निर्माण किया था, कितने बाई कितने से शुरुआत? पहले हमने 25x110 का शेड है हमारा पहले का। मैं दिखाना भी चाहूँगा दर्शकों को, ये देख सकते हैं सर ने शुरुआत के समय पर कितने का किया था सर आपने? 25x110 25x110 का सेट तैयार किया था। आप तो काफ़ी बड़े एरिया में हैं। फिर 15x110 का फिर उसको और बनवाए जी, बाद में जब हमको लगा कि हम फार्म कर सकते हैं बकरी जी जी पाल सकते हैं और हमको सक्सेस लगा कि इसमें हमको सक्सेस मिल सकती है, फिर हमने फार्म बड़ा किया।
फिर हमने भूसा के लिए अलग गोदाम बनवाया जी, मतलब व्यवस्थित करने के हिसाब से फिर हमने बढ़ाने के लिए बनवाया। पहले हमारा ट्रायल था जी, पहले ट्रायल की थी, पहले ट्रायल बेसिस में था, फिर हाँ, आपने जैसे हाँ, बकरियों की ग्रोथ देखी उस हिसाब से फिर हमको समझ में आया कि हम कर सकते हैं, अब कर सकते हैं हाँ, तो फिर हमने उसको बड़ा कर लिया कि हम 200 400 500 जितना भी हो जाएगा हम बढ़ा। मुझे थोड़ी सी बर्बरी बकरी की खास बात के बारे में बताइए, आप तो पालन कर रहे हैं और क्या आपको दूसरी बकरियों की तुलना पर बर्बरी आपको अच्छी लगती है, आपने इसी को क्यों चुना थोड़ा सा? बर्बरी में ये है कि पहली बात तो ये कुछ भी खा लेती है हाँ, परेशान नहीं करती कि नहीं इसको चराना है ये कि इसको हरा चारा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, टोटल भूसे ही रह लेती है, टोटल भूसे पे हमने रखा है कि 8 महीने हमने कुछ नहीं दिया जी, खाली भूसा और दाना दिया, चारा तो था ही नहीं, शुरू में हम आए थे तो चारा हमने न बोया था न था हमारे पास। भूसा किसका उपयोग में? चना, चने का हमने उपयोग किया, टोटल चने का कुछ मसूर का ही मिल गया था हमने। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर चने की हाँ। और मसूर के भूसे की उपलब्धता बनी रहती हाँ। है और अच्छे रेट पर मिल जाता हाँ। है, तो कोई समस्या नहीं होती हाँ। उससे है ना। तो ये चने का भूसा उपयोग में कर रहे थे, लगभग अगर हम देखें परगोट के हिसाब से तो 1.5 से 2 किलो का एवरेज सूखा भूसा लगता है। चलिए सर, हम आपके थोड़े से सीड के बारे में देखना चाहेंगे और दर्शकों को अंदर से दिखाना चाहेंगे। शाम का समय है, आप देख सकते हैं बकरियां जो हैं वो बिल्कुल खा पी कर तंदुरुस्त हो गई हैं और बहुत सारे दर्शकों के अक्सर सवाल रहते हैं कि सर हमें सीड के बारे में बताया करिए। ये सर का सीड अब समझ लीजिए कि 40x115 पर है और सर ने पहले जो बनाया था वो पहले 25x115 का था, फिर उसके बाद इन्होंने बढ़ाया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये भूसा के लिए स्पेयर है, यहाँ की लाइट चालू करवा दो फार्म की, लाइट चालू कर दो साले। ये हमने बाद में खाली भूसे के लिए, इस साल हमको भरना है इसमें भूसा जी। ये खाली ये कितने बाई कितने की जगह है सर? ये होगी 15x कम से कम 60 की जगह है। अच्छा, ये 15x60 की जगह है हाँ। बिल्कुल। और फिर ये वाला ये हो जाएगा, ये खाली बकरों के लिए, ये खाली बकरों के लिए, ये वाला सेट ये पूरा बकरों के यूज होगा। अच्छा, इसमें बकरे रहेंगे, अभी इसमें नांद वगैरह लगवाना है तो लगवा देंगे, बाकी इसमें ब्रीडर जो हमारे हैं जो भी रहेंगे वो ब्रीडर यहाँ रहेंगे जी। इस पूरे में इसमें रहेंगे बच्चे, इसको बच्चे? दो पार्ट करना है, इसमें एक पार्ट और करना है, एक तरफ बकरे रहेंगे एक तरफ बकरियां, ये बच्चे 3 महीने तक, मतलब उसमें भी आप ये बुक कर रहे हैं कि जो मेल अलग है फीमेल हाँ, अलग है, छोटे छोटे बच्चे में हाँ, भी आप कैटेगरी हाँ, वाइज बना रहे हैं, बहुत उनको अलग कर देंगे इसमें, बहुत अच्छी बात है, शुरू से वो अलग रहे। और जैसे ये वाला एरिया है सर, यहाँ जो एरिया है जी, यहाँ हमारे 5 है, यहाँ हमने 5 बना रखा है। अच्छा, जो बकरियां रहेंगी खाली वाली उनको हम इसमें रखेंगे, ये जो सामने पोर्शन दिख रहा है, सामने पोर्शन, उसके बाद वहाँ जो है जी उसमें जो बकरियां बहुत मारती वारती हैं, मतलब हाँ, मतलब जो आक्रामक है, हाँ आक्रामक है हाँ, वो वहाँ किनारे रहेंगी सब। अच्छा, वो पार्टीशन आपको दिख रहा होगा दर्शकों, वो लास्ट में देख सकते हैं, जाली लगी हुई है वहाँ पर, भूसा स्टोर किया हुआ है, अभी फिलहाल भूसा वहाँ है जी। इसमें रहेंगी खाली बकरियां, इसमें जो दूध दे रही हैं बकरियां जिनके बच्चे हो चुके हैं, पर अपन अभी खाली अपन यहाँ है, जहाँ है जिनके बच्चे हो चुके हैं जी, वो यहाँ रहेंगे हाँ, और इसमें रहेंगी प्रेग्नेंट बकरियां। मतलब आपने पूरा सिस्टमेटिक हाँ। तरीके से बनाया है कि हर एक जगह हाँ, अलग, अलग अलग बकरियों को फ्लॉक बाई आप रख सकें हाँ। और आप देख सकते हैं सामने जो गेट लगा हुआ है उन वहाँ से उनका आना जाना, दवाइयों के लिए वहाँ व्यवस्था है पूरी अलग से, वहाँ पर दवाइयाँ रहेंगी इनकी, जो बीमार उमार रहेंगे तो वहाँ रहेंगी बिल्कुल। साथ में सर मुझे चूजे भी दिख रहे हैं मुर्गियों के हाँ, बच्चे तो कड़कनाथ के हैं, ये कड़कनाथ के कुछ देसी का आपने रखा हुआ है। तो चलिए मैं कुछ और आपसे सवाल जानना चाहूँगा, खास करके सीड से संबंधित, कि सर जब आपने इसमें लागत लगाई, खर्च किया, तो लगभग कितना इसमें खर्च आया होगा और इतना खर्च करने का उद्देश्य क्या था, ये भी थोड़ा सा हमारे हमने जमीन और पूरे फार्म की करीबन हमारी 30 लाख के आसपास लगी है, फार्म बनवाने में, जमीन में, सब व्यवस्थित करवाने में। मतलब अगर हम देखें तो जमीन की कॉस्ट, साथ में जो
यहाँ पर आपने फार्म का कंस्ट्रक्शन किया है, अगर आप इसे अलग बता सकें कि जैसे जमीन की लागत अलग जो कीमत है वो अलग करके केवल फार्म कंस्ट्रक्शन का बताएं तो ये फार्म और ये सब घर मतलब अपना ये सब रहने के हिसाब से कोई भी रहेगा, हम रहे, लेबर रहे, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम हर चीज की व्यवस्था, तो इसमें करीबन नहीं तो 10-12 लाख रुपए, 10 से 12 लाख, 12 लाख आराम से लग गया। तो सर अक्सर सवाल आता रहता है दर्शकों के तरफ से, मेरे मन में भी रहता है कि सेड में इतना खर्च क्यों करें हम, अगर कम से कम में भी अगर कर सकते हैं तो आपने ऐसा क्यों सोचा, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों कम खर्च में कर सकते हैं ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन वो देसी बकरियों के हिसाब से, वो कहा कि परमानेंट शुरू से रहती हैं ऐसे ही, वो ऐसे ही पसंद करती हैं, उनको घूमना है दिन भर, सिर्फ रात को उनको एक छाया चाहिए कि पानी ना पड़े, ठंडी ना लगे, बस। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है क्योंकि इनको स्टॉल फीड में रख रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था चाहिए कि भीगे ना पानी से, ठंड भी ना लगे, ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तंबू तिरपाल लगाएंगे उड़ जाएगा, हम भी इरीटेट होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, बौछार आ रही हम भी काम नहीं कर पाएंगे, बकरियाँ बीमार होंगी, भीगेंगी, चिल्लाएंगी, इसलिए हमने इसको पैसा खर्च करके उसको बनवाया है, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बनाया है, हाँ, और कमर्शियल पर्पस से कमर्शियल ध्यान देते हुए आपने उस बिंदु को ध्यान में देते हुए इनब्रीडिंग भी रोकना है, इनब्रीडिंग ना हो बिल्कुल, तो व्यवस्थित ना होगी तो कहाँ से रोक पाएंगे आप बताइए, बिल्कुल एक कमरे में बकरा भी बेच देंगे बकरी भी बेच देंगे कहाँ से रोक पाएंगे इनब्रीड, नहीं बहुत कमर्शियल तो रही नहीं गए, बांस वाली में कहाँ रख पाएंगे। जी 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 बहुत अच्छी बात है सर, ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सेड में इतना खर्चा किया है और ये एक बार खर्च किया है सर ने तो उसको अब ये लॉन्ग टर्म हाँ हाँ है ना, और जो शुरुआत में जिनके पास पूंजी कम है वो उसका वो उस हिसाब से करें कर सकते हैं। हम भी 10 बकरी लाए थे इतना बड़ा सेट के बाद भी 10 बकरी से हम 10 ही लाए थे, सेट हमारा इतना था जी कि अगर 2 दफे हम नहीं कर पाते तो दूसरा कुछ सोचेंगे फिर इसमें, हमने 10 ही बकरी लाई थी, हम 10 से 50 बनाए हैं, 10 से लेकिन लाए हम 10 थे, चलिए हाँ खाली 10 ही थी हमारे पास। चलिए कुछ बकरियां देखते हैं आपकी, ये है ये एक बकरी ये बरबरी की जी, ये तीसरी बार बच्चा दे रही है, तीसरी बार बच्चे दे रही है। ये हमारे यहाँ तीसरी बार है। अच्छा हाँ, तो आप कब लेकर आए थे सर? हम लाए थे जब लाए थे तो प्रेग्नेंट थी, अच्छा दिसंबर में, जनवरी में इसने बच्चा दिया, बस ब्याहने वाली थी दिसंबर में, इसने जनवरी में दे दिया था बच्चा। अच्छा जनवरी में इसने बच्चा दे दिया था, तो ये 12 महीने वो 2-14 महीने ये हाँ, हाँ। तो इस बीच में पहले दिया फिर दोबारा एक बार और दी, अब ये तीसरी बार है, तीसरी बार बच्चा हाँ, देने वाली है, तीसरी बार देने तो वाली। बरबरी का फायदा ये मिलता ये है कि हमें कम इसकी जो बच्ची थी जो शुरू में दी थी वो अभी भी आई है 15 दिन पहले, जो पहली बार दिसंबर में लेकर आए थे इसको लाए थे बच्ची ने, बच्चे इसकी बच्ची ने दे दी बच्चा, ओ तब तो मतलब इसकी बच्ची भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल है दर्शकों ये सभी के पास ऐसी बकरियां नहीं होती हैं और ना इतना खुल के कोई बोलता है, सर बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सर बता रहे हैं कि इसकी बच्ची जो आई थी दिसंबर 2020 में वो उसने अभी बच्चे दिए हैं, 15 दिन हुआ, 15 दिन हुए हैं उसने बच्चा दे दिया। चलिए इनकी कुछ और बकरियां, एक और बकरी है उसकी भी बच्ची ने बच्चा दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल, जो शुरू में आई थी जनवरी में भी आई थी। आपको सेट जरूर पसंद आया होगा और ये है उसकी बकरियाँ, बिल्कुल ये सामने जो खड़ी है ये इसकी बच्ची है ना, ये देख हाँ। सकते हैं ये दोनों, ये बच्ची ने अभी बच्चे दिए हैं बकरी ने, और मैं आपको यहाँ से कवर करने की कोशिश करता हूँ सेड सर का, ये देख सकते हैं बहुत लंबे एरिए में है और सर ने कमर्शियल पर्पस को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े एरिए में कंस्ट्रक्शन किया है। आइए सर आप भी कुछ और भी बकरियाँ देखते हैं और बातें करते चलते हैं, एक ही बकरी है जिसमें हम नॉर्मल बातें करते हैं, उसकी भी बच्ची ने बच्चा दे दिया, उसकी बच्ची ने भी अभी वो बच्ची उसकी है, बिल्कुल वही 15-20 दिन हुआ, ये जब आप लेकर आए थे उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तब प्रेग्नेंट थी, ब्याहने वाली थी, ब्याहने वाली थी, फिर उसने भी आई, फिर उसकी बच्ची अभी यहाँ बच्चा दे दी। जब आप लेकर आए थे तब बकरे कितने थे आपके पास? हमारे पास 2 बकरे थे 10 बकरियाँ थी, 2 बकरे और 10 बकरियाँ लाए थे 12 लेकिन 2 मर गई थी, 10 ही बची थी हमारे पास। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए सर कि जब आप उस टाइम पर लेकर आए थे तो कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने मिली उस समय? काफ़ी समस्याएं आई, नया नया फार्म था, हमको कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं थी, मतलब इस बकरी के बारे में नहीं थी, तो काफ़ी समस्याएं आई, काफ़ी बकरियां बीमार भी हुई, फिर हमने उसमें सब घर के रहे लेबर के मत्थे नहीं हुए, लेबर भी लगाए थे लेकिन वो नहीं कर पाया, फिर घर के ही लगे, जब खुद लगे तब आज सक्सेस हुए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आप
कब से यहाँ पर आप परमानेंट स्टे बना कर रखे हैं? पहले तो आप सतना से आते जाते सतना से आते जाते थे, शुरू में लेबर रखे थे। हाँ, जब बकरी हमारी मरी है 4-6 दिन बाद जी, तब फिर हमने हम कहे अब हमारी हंसी होगी इसमें। अच्छा, फेल हो रहे थे अब, सब बकरियाँ बीमार हो गई, 2 मर भी गई। तब फिर हमने खुद रुकने का निर्णय लिया और हम अपने हाथ से करना चालू किए। तो मेरे को ये समझ में आया कि ये धंधा अगर लोग पार्ट टाइम के हिसाब से सोच रहे हों तो ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, परेशान होंगे, पार्ट टाइम में नहीं कर पाएंगे जी, ये उनको रहना ही पड़ेगा। भले वो खूब बड़ा फार्म कर लें, लेकिन उनको सामने लेबर भी करवाएं लेबर से, लेकिन रहना पड़ेगा। तो अब किस तरीके से आप शेड्यूल को मेंटेन रखते हैं सर? जैसे हम बात करते हैं, हम आपकी बकरियां तो बड़ी अच्छी हैं, तो खाने में किस तरीके से सुबह हम इनको मेंटेन करते हैं? 8 से 8:30 आइए, आप कुछ बकरियां इस तरफ देखते चलते हैं और बातें भी करते चलते हैं। और सुबह 8 से 8:30 हम इनको चने का भूसा देते हैं जी, फिर इनको 12:30 दोपहर में हरा चारा देते हैं इनको, जितना ये खाती हैं इनको पेट भर दिया जाता है हरा चारा जी। फिर इनको 4:30-5 बजे के आसपास सूखा भूसा दिया जाता है चने का। फिर रात को इनको हम दाना देते हैं 7 बजे करीब, ठंडी में 7 बजे, जब गर्मी आएगी तो पहले दे देंगे। और उससे पहले भी आप देना शुरू कर देते हैं, तो मतलब हरी चारे की तो कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ पर? कौन कौन सा हरा चारा आप उपयोग में? हरा चारा हमने बो रखा, बरसीम बोया हुआ है जी। कुछ खेत में अकड़ी निकल आती है, अपने यहाँ ग्रामीण में अकली बोलते हैं। हाँ, जो खरपतवार टाइप खरपतवार है जो खेत में, वो निकल आता काफी है हमारे यहाँ। कुछ मटरा हमने बो रखा था, मटरा निकलता है, वो चारे के रूप में काम करता है। अच्छा, उसको हम चारे के रूप में यूज करते हैं? चारे के रूप में ही यूज करते हैं, उसमें अच्छा प्रोटीन है। आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आप सुबह से उनको सूखा चारा देते हैं और दोपहर में उन्हें हरा चारा देते हैं, और इतना चारा पर्याप्त मात्रा में है कि बकरियां एक जाती हैं। मतलब कि इतना पेट भर जाता है कि पेट भर खाती है। तो इससे आपकी फीडिंग कॉस्ट भी कम होती होगी? बिल्कुल कम होती है, हमारा भूसे का खर्चा कम रहता है, दोपहर का भूसा बिल्कुल नहीं लगता हमको, दोपहर 3 बार देना पड़ता। और उसी सुबह भी हम थोड़ा थोड़ा देते हैं उनको, ये कि रात की भूखी है तो थोड़ा खा लें। हाँ मन उनका वो हो जाए, भर जाए, बाकी 12 बजे उनको पेट भर मिलेगा चारा, वो जानती हैं, वो समझती हैं कि शाम को भी थोड़ा सा ही देते हैं कि टाइम पास के लिए थोड़ा सा दे दिए भूसा जी, और रात में दाना दे देते हैं। मतलब आप 50% हम कह सकते हैं कि 50% जो आप उपयोग में ले रहे हैं वो हरी घास ले रहे हैं। हरी घास। तो आपसे 50% खर्चा तो यहाँ कम कर दिया कम है ना। चलिए कुछ बकरे आपके देखते हैं, और जैसे आप ब्रीडर जो लेकर आए थे उस टाइम पे कौन सा ये अपने यहाँ पर? ये तो यहीं के हैं सब, वो भी है, वो ये सब यहीं के हैं। ये आपके अपने फार्म की ही ब्रीड? ये हमारे फार्म के ब्रीडर हैं। अच्छा, ये को बैठा है सफेद, ये है, ये तोतापुरी का है। आप वो देख सकते हैं सामने, तोतापुरी है, फिर उसका है ये बरवारी के है, सब सारे बहुत अच्छे। और अभी तक आपने कुछ सेल किया है कि अभी आपने कोई बकरी सेल की? अभी हमने सेल नहीं की, आते हैं लोग खरीदने खूब आते हैं। अभी क्या प्लानिंग चल रही है? लेकिन अभी हमको बकरी नहीं देना। हाँ, बकरे जरूर निकालेंगे, कुछ बकरी ईद में निकालेंगे, कुछ और ऐसे देखेंगे तो बकरे निकालेंगे। बकरियां अभी बकरी आप अपने फार्म के लिए? ये हमने हमारी सब सेट हो गई, अच्छी बकरियाँ हैं, ना हमको 1 रुपये की दवाई लगती इनमें ज़्यादा जी, ये सब सेट हैं बढ़िया, आपके यहाँ पर आराम से सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे भी हो रहे हैं वो भी सेट हैं, हमारे आज तक एक बच्चे की मोर्टलिटी नहीं हुई, इतनी ठंडी में हमारे पूरे बच्चे हुए, जनवरी के हैं पूरे बच्चे, सारे बच्चे अभी जनवरी, सब जनवरी के हैं। और उसको मैं आपको बताना चाहूंगा, जनवरी में यहाँ पर जो टेम्परेचर है, बहुत कड़ाके की ठंड थी, कटनी सतना में 6-5 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर था, रहता था उस टाइम पर, रात के समय की बात कर रहा हूँ, अच्छी कड़ी ठंड पड़ती है यहाँ पर। सर देखिए, आप तो अलग व्यवसाय में थे, इससे पहले आपने सर्विस अलग जगह करी है, बकरी पालन में आना, और फिर किस तरीके से आपने इसके वैक्सीनेशन शेड्यूल, जब बकरियां बीमार पड़ती हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता बहुत है। बहुत हाँ, तो फिर किस तरीके से आपने उससे निजात पाया, और अब किस तरीके से यहां पर मेंटेन करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल को, ये हमारे दर्शकों को बताइए। वैक्सीन हम इनकी अप्रैल में हम करते हैं, ईटी और आपके एफएमडी, ये हमारा शेड्यूल फिक्स है जी, अप्रैल में इनकी ईटी एफएमडी होगी और आपके अक्टूबर में पीपीआर और ईटी, हम पीपीआर ईटी अक्टूबर, एफएमडी हम एक बार करते हैं, सिर्फ अप्रैल में कर देते हैं, उसके बाद नहीं करते। ईटी हम 2 बार करते हैं, पीपीआर साल में 1 बार हम करते हैं, पीपीआर साल में एक बार। हाँ, और इस दौरान जैसे समय आप बदलता जाता है,
सीजन बदलते जाते हैं, तो और कौन कौन सी समस्याएं आपको लगता है आपको देखने मिली और हमारे दर्शकों को उसके बारे में? समस्याएं इनमें और बाकी नॉर्मल रहती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है जी इनके, तो इनके लिए हम यदि इंजेक्शन के लिए काम चलने वाला हुआ तो वो दिए नहीं, टैबलेट से हो जाता है। टैबलेट से? हाँ, टैबलेट से हो जाता है जी। और आपके जूं पिस्सू है तो ये अब ठंडी थोड़ा ख़त्म हो तो फिर इनको घोल बना के इनको नहलाया जाएगा। फिर सर, आपने देसी मुर्गी पाल रखी है, कौन सी मुर्गी पाली है और उससे क्या फ़ायदा मिल जाता है और बकरी के साथ रखने में क्या फ़ायदा है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पास प्योर देसी मुर्गी है और कड़कनाथ है जी। बकरी के साथ रखने का फ़ायदा यह है कि ये एक प्रकार से सफाई कर्मचारी का काम भी करती है मुर्गी। आपके फार्म में जितना दाना सड़ा होगा, गंदगी होगी, बकरी बच्चा देती है वहाँ गंदगी हो जाती काफ़ी, ये पूरा साफ कर देती है। दाना सड़ने से जो जूं है, पिस्सू है, सब 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 कीड़ा चीचड़ दाना सड़ा हुआ वो सब ये खा लेती, कुछ नहीं रहता फार्म में। और अब तो ज़्यादा संख्याएं में मुझे दिख रही हैं मुर्गियां, तो उस और उससे किस तरीके का फ़ायदा आप ले रहे हैं? हमने अंडे बेचते हैं, हमने अंडे बेचे हैं काफ़ी, इस साल हमने काफ़ी बेचे, पिछले साल तो कम थी, इस साल हमारे पास 50 करीब हो गई थी, तो हमने अंडे बेचे लगातार, यहाँ से अंडे जाते रहे हैं। मुर्गे हमने काफ़ी बेचे हैं, अच्छे रेट में बेचे हैं, उससे हम काफ़ी निकाल दिए मुर्गे। तो एक दिन का कितना मुर्गा अभी अंडा मिल जाता था आपको? हमको 15 अंडे मिलते थे डेली, 15 में आप मान लीजिए 4-5 अगर घर के लिए रख रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, अपने यूज में होगा जो भी हुआ, नहीं तो हम 15 के 15 ही बेचे हैं। क्या रेट मिल जाता था सर? हमको 15 रुपये एक अंडे के मिलते। मतलब अगर हम 10-50 मुर्गियाँ रख लेते हैं, हाँ हाँ मिलेगा, डेली का खर्चा निकलने वाला या लगने वाला बकरियों के लिए, तो हम मुर्गियों से पूरा कर सकते, बराबर 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 कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी सर। अब मैं फाइनली थोड़ा सा आप रेट के बारे में भी जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए दर्शक आपसे जुड़ते हैं, आपसे आना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, बकरियाँ बकरियाँ आपसे लेते हैं, जैसे आपके पास बच्चे हैं अभी, तो क्या रेट से आप उन्हें देना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है, जब भी होगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ भी हम निश्चित बताएँगे जो हमको बिक्री करना होगा। तो दर्शकों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप भी बर्बरी बकरी पालन करना चाहते हैं तो एक बार फार्म इनका ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।